भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।